कुंवर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। हेलो हेलो जी कुंवर जी, आवाज आ रही है आपको? सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम, ये कह रहे हैं कि मैं टाटा स्टील का 100 शेयर लिया हूँ 107 रुपये पे। हेलो ठीक है जी, चलिए आपका सवाल ले लेते हैं। किरण टाटा स्टील पर राय दीजिए, 107 पर लिया था। इनके भाव के पास ही कारोबार कर रहा है इस वक्त, 100 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, हल्के नुकसान में है ये। क्या लेवल्स देख रहे हैं आप टाटा स्टील पर? ओवरऑल टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि 98-95 के आसपास मल्टीपल बॉटम बनाए हैं और साथ ही साथ वहां पे हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर दिख रहा है। ओवरऑल जिस तरह से ब्रॉड बेस रैली अभी मार्केट में लास्ट 2 दिन से चालू हुई है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि उनको एक बार वापस ये 106 से 107 की रेंज में मिले, तो एज ऑफ नाउ होल्ड करने की सलाह रहेगी। लेकिन नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अभी उनको मेंटेन करना रहेगा 98 का। जब तक 98 होल्ड है लेवल, तब तक डेफिनेटली ये होल्ड कर सकते हो। जैसे ही ऊपर 107 106 के लेवल आते हैं, एक बार वापस चार्ट रिव्यू करके अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले आए। ऑलराइट ठीक है, तो ये राय टाटा स्टील पर आपको दे दी गई है। चलिए अब अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। चेन्नई से रतन लाल जी जुड़े हैं हमारे साथ। रतन लाल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। मेरा सवाल है, मैंने टाटा एलेक्सी 10 शेयर 9400 में लिए थे, अभी काफी गिर गया है, तो इसका एवरेज करें या बेच दें? बिल्कुल विवेक, काफी दर्शकों के मन में सवाल है क्योंकि टाटा एलेक्सी हमने देखा था 10,000 तक के लेवल पर गया था। उसके बाद जब नीचे आने लगा, काफ़ी लोगों ने इसमें एंट्री लेने की कोशिश की लेकिन फ़ायदा नहीं मिला, स्टॉक और टूट चुका है। कल के कल ही हमने देखा 7% नीचे आ गया, नतीजे कमज़ोर थे कंपनी के और अब 7,000 के आसपास कारोबार कर रहा है ये शेयर। पिछले 5 दिनों का एक बार हम चार्ट दिखा देते हैं दर्शकों को, तो करीब 12-13% की गिरावट पिछले 1 हफ्ते में ही देखने को मिली है। अब इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? जानना चाह रहे हैं एवरेज आउट कर लें, और जिनके पास ऑलरेडी है ये शेयर, जिन्होंने जिनको नुकसान हो रहा है इस वक्त, उन्हें क्या करना चाहिए? अभी भी बने रहें? देखिए, अगर अब इन मतलब ये लोग ये प्रॉफिट में है कि नहीं है ये मैंने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन स्टॉक करीबन 30% ऊपर से टूट चुका है और ये एक मतलब कॉमन फिनोमिनन है आईटी सेगमेंट में। तो मतलब आईटी सेगमेंट में सारे के सारे 30 से लेके 40% तक नीचे गिरे हुए हैं और टाटा एलेक्सी भी गिरा है, लेकिन मुझे इन स्तरों में भी वैल्यूएशन वाइज थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, पर्टिकुलरली क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया और ज्यादातर जहां पे भी 30 या 40% करेक्शन आए हैं वो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली मुझे अभी भी महंगा लग रहा है। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत नुकसान होता है, निकल जाइए, और इसमें आप इससे बेटर है कि आप कन्वर्ट करो साइंट। रिजल्ट ठीक नहीं था लेकिन फ्यूचर के लिए मैं काफी पॉजिटिव हूँ उस स्टॉक में। साइंट है या फिर विप्रो भी है जहाँ पे काफी डैमेज हो चुका है, तो डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा और आपको रिकवरी की आशा ज्यादा रहेगी। तो ओवरऑल कंपनी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में टाटा एलेक्सी मुझे थोड़ा प्रेशर में दिखेगा। ठीक है, तो टाटा एलेक्सी पे नज़रिया छोटी अवधि में और भी प्रेशर आने का है। इसके अलावा अगर आप विकल्प ढूंढ रहे हैं तो साइंट और विप्रो काफ़ी बीट एंड डाउन काउंटर्स हैं आईटी स्पेस में, वहाँ पे अच्छे मौके मिल सकते हैं रिटर्न्स के लिहाज से, तो वहाँ पे आप नज़र रखिए। पर चलिए अब आगे बढ़े और कुछ इंस्टाग्राम